हेलो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल में अभी तक कम्युनिकेशन क्या है, इट मीन्स उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और उसका प्रोसेस क्या है, यानी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। इसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन को हम आगे ले चलते हुए आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के डिफरेंट, यानी जो ओरल और रिटेन कम्युनिकेशन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने पीडीएफ के थ्रू लिया है बच्चों, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग राइट करके तैयारी करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा, जब तैयारी रहेगी तो आराम से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, जैसा कि आप लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन क्या है, इसमें आंसर भी ठीक उसी तरह दिया गया है। थोड़ा सा आपको बस समझना है और ध्यान से बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, द वर्ड कम्युनिकेशन इज ऑफ लैटिन ओरिजिन, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर आर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड व्यूज एट्सेट्रा। द वर्ड कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन का शब्द है वो कहाँ से आया है, लैटिन शब्द से आया है। जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द के कम्युनिकेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि कोई सूचना या कोई न्यूज या फिर कोई भी व्यूज को क्या करना, शेयर करना। ठीक, इन ब्रीफ, संक्षिप्त में हम क्या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया और सम न्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी संक्षिप्त में हम कम्युनिकेशन को कह सकते हैं कि यह आइडिया या फिर कुछ न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है या कार्य है। ठीक, तो कम्युनिकेशन की परिभाषा आपने सुन लिया, मैंने एक दो राइटर के अनुसार भी लिखवाया है, उसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। उसमें चाहे तो आप अकॉर्डिंग टू करके किसी राइटर का आप डाल सकते हैं डेफिनेशन, तो और भी अच्छा रहेगा। तो कम्युनिकेशन समझ में आया कि कम्युनिकेशन है क्या। सिंपली कम्युनिकेशन में हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचनाओं को, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को किसी अन्य व्यक्ति तक शेयर करते हैं, वही क्या है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। यानी मानव जीवन के लिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या वो महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरगल पार्ट ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ। यानी जो कम्युनिकेशन है वो सभी व्यक्तियों के जीवन का अभिन्न अंग है, यानी किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेशन को अलग नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा जो व्यक्ति नहीं बोल पाते हैं तो कितना अधूरा सा महसूस करते हैं, तो बिना बोले हम अपनी सूचनाओं को, अपने व्यूज़ को किसी और तक तो पहुंचा नहीं सकते, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक कॉन्टैक्ट। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, यानी जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन होता है बच्चों, वो कॉन्टैक्ट बनाने में, यानी लोगों तक संपर्क बनाने में मदद करता है, महत्व रखता है। वी आर सोशल क्रिएचर, हम सभी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं, एंड ऑल ह्यूमन बीइंग ऑपरेट
in a social world and communication link us to that world since using communication to make contact with other people seems to be a basic human drive. तो देखिए, we are social creature, सभी को पता है हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और बिना एक दूसरे से बात किए यानी कम्युनिकेट किए बिना हम नहीं रह सकते हैं. एंड ऑल ह्यूमन बींग्स, और जो सभी मानव हैं, जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑपरेट इन अ सोशल वर्ल्ड. वो क्या चलाते हैं, एक सामाजिक, एक समाज चलाते हैं संसार में, ठीक. एंड कम्युनिकेशन लिंक, और जो कम्युनिकेशन होता है वो लिंक करता है. एंड कम्युनिकेशन लिंक अस टू दैट वर्ल्ड सिंस यूजिंग कम्युनिकेशन टू मेक कंटैक्ट विद अदर पीपल सिंस टू बी अ बेसिक ह्यूमन ड्राइव. यानी जो कम्युनिकेशन लिंक करता है हम सबको संसार से, और कम्युनिकेशन कंटैक्ट बढ़ाने में मदद करता है, दूसरे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने में मदद करता है, और एक तरह से ये बेसिक ह्यूमन ड्राइव है बच्चों. इट मीन्स बिना कम्युनिकेशन के संभव ही नहीं हो पाएगा, इट मीन्स जैसे अधूरा सा बिल्कुल रहेगा. तो कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. All people, whether the scientists or the engineers, doctors, officials or the businessmen, have to interact with one another. यानी सभी व्यक्ति, चाहे वो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक हो या फिर इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो या ऑफिशियल वर्कर हो या बिजनेसमैन हो, सब से इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन हैज़ बिकम द लाइफ लाइन ऑफ अ मैन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ. यानी जो संगठित रूप से जीवन है उसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से लाइफ लाइन बन चुकी है व्यक्तियों में. इट इज़ कॉल्ड अ विटल पार्ट ऑफ बिजनेस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज. तो बच्चों, यह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है बिजनेस का, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या मैसेज. तो समझ में आया कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ह्यूमन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है. यानी प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर हो, ऑफिशियल वर्कर हो या फिर बिजनेसमैन हो, एक दूसरे से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती ही होती है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्सप्लेन इन ब्रीफ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. यानी आपको संक्षिप्त में कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. कम्युनिकेशन का प्रोसेस इसके पहले हम जस्ट पढ़ाए हैं, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप एक बार नहीं, दो तीन बार करके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन दो तरह की प्रक्रिया है, विच कैन बी ब्रोकन इंटू 6 फेजेस, जिसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं, इसको 6 भागों में तोड़ सकते हैं. आइए देखते हैं. पहला, सेंडर हैज़ एन आइडिया. यानी सेंडर जो होगा उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि हमें भेजना क्या है एक्चुअली. और नेक्स्ट क्या है कि सेंडर के दिमाग में आइडिया तो आ गया, अब वो उस आइडिया को इनकोड करेगा यानी लिखेगा एक तरह से. फिर द सेंडर ट्रांसमिट द आइडिया. इसके बाद जो भी आइडिया को इनकोड किया हुआ है अब वो सेंडर उसे भेज देगा, वो उस आइडिया को ट्रांसमिट कर देगा. नेक्स्ट, जब सेंडर ने ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया उस आइडिया को, तो रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को पा जाएगा, उसे मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा. तो चौथा आपका क्या आ गया, ये एक तरह का हो गया ना, सेंडर ने आइडिया क्रिएट किया, फिर इनकोड किया, फिर भेजा उसको. अब सेकेंड वाला प्रोसेस आ गया, इसमें बताया गया ना कि टू वे प्रोसेस है. तो सेकेंड वाला प्रोसेस क्या है, रिसीवर ने मैसेज को प्राप्त किया, द रिसीवर गेट्स द मैसेज. नेक्स्ट क्या,
द रिसीवर डिकोड द मैसेज, यानी रिसीवर ने अब उस मैसेज को डिकोड किया यानी समझा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट द रिसीवर सेंट फीडबैक, इसके बाद क्या उसने समझा है उसको उसने फीडबैक दे दिया उसका। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के बेसिक टाइप क्या हैं। तो कम्युनिकेशन आकर इन मेनी फॉर्म्स, कम्युनिकेशन जो होता है वो कई रूपों में होता है। देयर आर टू बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे दो मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के प्रकार है, आइए देखते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है बच्चों शाब्दिक कम्युनिकेशन, यानी शाब्दिक यानी जिसमें हम शब्द का इस्तेमाल करें, ठीक, और नॉन वर्बल यानी जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ना हो। सिंपली वर्बल यानी जिसमें हम शब्दों को महत्व दें, शब्द के माध्यम से अभिव्यक्ति करें, शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट करें, वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में बिना शब्द के, देखिए कम्युनिकेशन विद वर्ड इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड के साथ यूज होता है उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, विच कैन बी रिटन, जो कि लिखित भी हो सकता है और ओरल वो मौखिक भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल जेस्चर पोस्चर एट्सेट्रा, और कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन, और कम्युनिकेशन जो होता है वो फिजिकल जेस्चर और पोस्चर पर भी आधारित होता है। फिजिकल जेस्चर पोस्चर यानी शारीरिक रूप से जो हाव भाव प्रकट होते हैं उसके माध्यम से भी कम्युनिकेट किया जाता है, इज नोन एज नॉन वर्बल। और जो इस तरह से शारीरिक रूप से जो भी हाव भाव प्रकट किए जाते हैं या उसके आधार पर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोथ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड बाय मेन इन देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों ही रूप जो है कम्युनिकेशन के लिए व्यक्ति अपने पर्सनल यानी अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल यानी अपने व्यवसायिक जीवन में वो अपने इच्छानुसार दोनों ही रूपों को उपयोग में लाता है। वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिटेन हो गया और दूसरा ओरल हो गया। जो रिटेन कम्युनिकेशन होता है वो डिपेंड करता है रिटेन वर्ड्स पे, जहाँ वेयर एज ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द स्पोकन वर्ड्स, जबकि जो ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो बोले गए शब्दों पर डिपेंड होते हैं। ठीक, ये तो हुआ बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, कंपेयर करना है रिटेन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में। तो देखिए ऑल कम्युनिकेशन वेदर रिटेन आर ओरल इज मेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज व्यूज एंड मैसेज। सभी कम्युनिकेशन चाहे वो रिटेन हो या ओरल हो, सब में क्या किया जाता है, आइडियाज़ व्यू और मैसेज को सेंड ही किया जाता है, चाहे वो रिटेन हो या फिर ओरल हो। बट रिटेन एंड ओरल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सेम रिस्पेक्ट्स, लेकिन जो रिटेन और ओरल का माध्यम है वो उस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए उन सब डिफरेंसेस को देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन स्पोकन वर्ड्स। ओरल जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, स्पोकन वर्ड्स यानी बोले गए शब्दों पर। जबकि रिटेन है जो, उसमें क्या है, डिपेंड ऑन रिटेन वर्ड्स, इसमें लिखित शब्दों पर जोर दिया जाता है या इस पे लिखित शब्दों पर निर्भर करता है। इट इज़ ओरल में देखिए, ओरल कम्युनिकेशन जो है इट इज़ इकोनॉमिकल या जो है खर्चीला होता है। भाई जैसे नेता वगैरह जो भाषण देते हैं वो क्या है, एक तरह से ओरल कम्युनिकेशन ही तो है। और जब ओरल कम्युनिकेशन करेंगे यानी जब कहीं भाषण वगैरह देंगे तो उसके लिए ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है,
तो कहीं ना कहीं ये खर्चीला होता है। और रिटेन में देखिए, इट इज़ इकोनॉमिकल, यानी ये खर्च ज़्यादा नहीं कराता है। और नेक्स्ट रिटेन कम्युनिकेशन जो होता है, इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ मनी, ये कुछ यानी मनी ये खर्च कराता है, एक तरह से ये रिक्वायर करता है मनी को। नेक्स्ट है इट रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम इज लेस, इसमें जो है समय कम लगता है ओरल कम्युनिकेशन में, जबकि रिटेन कम्युनिकेशन में समय लगता है। मेंटेन रिटेन रिकॉर्ड्स, इट रिक्वायर टाइम टू मेंटेन रिटेन रिकॉर्ड्स, यानी इसमें समय लगता है क्योंकि इसके रिकॉर्ड को रखा जा सकता है। प्रोफिशिएंसी इन स्पीच इज एसेंशियल, ओरल कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंसी यानी इन स्पीच इज एसेंशियल, यानी एक तरह से जो स्पीच देंगे उसमें प्रोफिशिएंसी कुशलता का होना आवश्यक है, जबकि रिटेन कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग इज नेसेसरी, यानी राइटिंग में प्रोफिशिएंसी कुशलता का होना अनिवार्य है। ओरल कम्युनिकेशन में इट कैन नॉट बी ऑथेंटिक, यानी कि यह ऑथेंटिक यानी यह थोड़ा सा सच्चाई से दूर भी हो सकता है, यह ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें हो रही हैं वो सही ही हों। लेकिन रिटेन कम्युनिकेशन में क्या है, रिटेन रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक, यानी जो भी इसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो हमेशा सत्य होते हैं, एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड ईजली, और इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इग्नोर्ड बाय द रिसीवर, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो जो रिसीवर है जो प्राप्त करता है वो उसे इग्नोर यानी अनदेखा भी कर सकता है, जबकि रिटेन कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उस पर उसको वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रोल क्या है। द फिज़िकल मोमेंट ऑफ द बॉडी एंड देयर स्टडी इज़ नोन एज किनेसिक्स, जो फिज़िकल मोमेंट होता है शरीर का बच्चों वो किनेसिक्स कहलाता है, यानी वो एक तरह से किनेसिक्स का अध्ययन कहलाता है। इसमें जो शारीरिक हाव भाव प्रकट किए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसे ही किनेसिक्स कहते हैं। वी कैन कम्युनिकेट आर सेंड द मैसेज इवन बाई नोडिंग द हेड, ब्लिंकिंग ओवर आइज, स्ट्रगिंग एंड सोल्जर, और बाई अदर फिजिकल मोमेंट्स। वी कैन कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर सेंड द मैसेज को भेज सकते हैं, इवन बाई नोडिंग द हेड, यानी सर हिलाकर भी, ब्लिंकिंग ओवर आइज, अपने पलकों को झपका करके भी, स्ट्रगिंग एंड सोल्जर्स यानी कंधों को उचका करके, या फिर और भी अन्य फिजिकल मूवमेंट करके। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ विशेषताएं दिए गए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, आइए देखते हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन आर गुड इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस लाइक लव, हेट, लाइक, डिसलाइक एट्सेट्रा। जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो क्या करते हैं, आर गुड यानी वो अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हैं किसको, इमोशंस को, भावनाओं को, जैसे लव यानी प्रेम, हेट यानी घृणा, लाइक यानी पसंद, डिसलाइक यानी नापसंद, ये सारी चीज़ें चेहरे के भाव को देख करके, चेहरे की भावाभिव्यक्ति को देख करके पता चल जाता है कि व्यक्ति किसी चीज़ के प्रति कैसा इमोशंस रख रहा है। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट अनदर नॉन वर्बल मेथड, जो आई कांटेक्ट है बच्चों वो भी एक तरह का नॉन वर्बल मेथड ही है। इट्स यूज फॉर रिवेलिंग द माइंड ऑफ द स्पीकर, यानी एक तरह से कि व्यक्ति बोल क्या रहा है, जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है, ये उसके आँखों को देख करके पता चल जाता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नेचुरल एंड इफर्टलेस, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो नेचुरल होता है, उसमें कोई बनाना नहीं पड़ता है, सीखना नहीं पड़ता है उसको, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं और ये बिना प्रयत्न के ये अपने आप ही होता है। क्या कंधे उचकाना कोई सीखता है बच्चों,
क्या सर हिलाना कोई सीखता है? नहीं, ये क्या है? इट्स नेचुरल। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज स्टैंडिंग इरेक्ट आर बेंडिंग टू वन साइड शोज हाउ हेजिटेंट द स्पीकर इज। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है सच एज स्टैंडिंग इरेक्ट, जो व्यक्ति खड़ा है, सीधा खड़ा हुआ है या वो झुक कर खड़ा हुआ है वो, या फिर वन साइड शो, मतलब वो देखते ही पता चल जाता है कि हाउ हेजिटेंट द स्पीकर इज, कि स्पीकर जो है वो कितना हिचकिचा रहा है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स थे। ठीक, इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।